बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, सबसे पहले इनको देखिए, ये इतने तबाहकुन मनाजिर हैं, इतने तबाहकुन मनाजिर हैं कि यमन ने जो तबाह किया है बरतानिया का जो ऑयल टैंकर है, अब आप देखिए उसके जो मनाजिर फ्रांस की जानिब से जारी किए गए हैं, उसने हिला कर रख दिया पूरी दुनिया को। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि वो राख का ढेर बन गए थे, जलते रहे। ऐसा लग रहा था कि जहाँ पर अंधेरा था वहाँ पर रोशनी रोशनी फैल गई, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़बरदस्त हमला हुआ। और ये इतना ख़तरनाक हमला था, इतना ख़तरनाक हमला था कि बरतानिया के पैरों तले ज़मीन निकल गई। लेकिन जो इंकशाफ इसके बाद हुआ है, आप सिर्फ एक मिनट के लिए देखें तो कितनी वहाँ पर आग लगी हुई है, डिस्ट्रॉयर तबाह हो रहे हैं और उसके अलावा नकारा हो रहे हैं, ऑयल टैंकर्स तबाह हो रहे हैं, चीज़ें इतनी तरह तबाह हो रही हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। लेकिन अगर यमन इस लेवल की तबाही कर सकता है तो जाहिर सी बात है उस पर हमला होना चाहिए। लेकिन जो अब इंकशाफ हुआ है वो आप सोचिए कि बरतानिया को इसराइल ने इस जंग में जो धकेला है, सिर्फ मरने के लिए उन्होंने यमन के आगे इनको फेंक दिया है कि जाओ तुम इनकी हड्डी खा लो। हुआ ये है कि जब इतना बड़ा हमला हुआ और सारी दुनिया ये देख रही है कि यार ये हमला तो तबाहकुन है, ये तो कंट्रोल से बाहर है, इस हमले के बाद हर जगह तबाही तबाही है, तो बरतानिया ने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया। अब वो कह रहे हैं कि बरतानिया का जो वेसल था, जो वॉरशिप था, उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो यमन के ऊपर मिसाइल दाग सके, और ना ही बरतानिया के यानी जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनके अंदर कोई ऐसा मिसाइल सिस्टम है, बुरी तरह वेपन सिस्टम है, कि वहां पर वो जाए और जाकर यमन पर हमला कर सके। एक मिनट, यानी ये क्या खबर है? ये इंकशाफ हो गया इतना बड़ा कि बरतानिया जंग के लिए चला गया है यमन के खिलाफ, लेकिन उसके जो वॉरशिप हैं उनके अंदर ऐसा ना तो कोई मिसाइल सिस्टम है, ना वहां पर कोई मिसाइल मारने की कैपेबिलिटी है, वो आम सी आर्टिलरी सी गन है। और वो कहते हैं कि वो यमन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो मिसाइल मारते हैं। और वो कह रहे हैं कि हमने नॉर्वे से एक मिसाइल सिस्टम लगवाया है यहाँ पर, और उसको फिलहाल हमने टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि आया हम यमन का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं, वो जब टेस्ट करेंगे वो तब की बात है। और कहा कि बरतानिया के पास, बरतानिया की नेवी के पास जो डिस्ट्रॉयर आएंगे जो यमन को तबाह कर सकते हैं, वो 2028 में आएंगे। सीरियसली, यानी आप सोचे यमन ने इनको कच्चा जवाब खजाना है, इनको पता नहीं है अमेरिका का मामला क्या हुआ है। मामला ये हुआ कि ये जो टैंकर्स हैं इनको यमन ने उड़ा दिया है और आग लगा दिया हर तरफ। इतनी बुरी आग थी कि अमला जान बचाकर भागा। और जब अमला जान बचाकर भागा तो फिर क्या हुआ, फिर जरूरत ये पैदा होती है कि पूछा गया कि बरतानिया की नेवी के जहाज वहां पर मौजूद है, उन्होंने हमला क्यों नहीं किया। उन्होंने आगे रिपोर्ट दिया कि जी हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी इन बहरी जहाज़ों में कि हम यमन को मार सके, वो इतना ख़तरनाक हमला और इतनी ख़तरनाक टेक्नोलॉजी लेकर है, हमारे पास तो सिर्फ आर्टिलरी गन है, उससे तो हमला नहीं हो सकता। फिर उन्होंने पूछा कि अमेरिका ने क्यों नहीं हमला किया, अमेरिका ने क्यों नहीं बचाया। तो अमेरिका ने आगे से कहा कि देखिए हमारे पास टोमाहॉक मिसाइल हैं, हम एक हद तक ही मार सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हम मार सकते। और इस सारे मामले पर हमने बरतानिया को आगाह कर दिया था, वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप सोचिए ज़रा कि जब सब कुछ तबाहो बर्बाद हो गया, सारी चीज़ें बेड़ा गर्क हो गया, सब हो गया, तो फिर इंडिया की नेवी को बुलाया गया है और इंडिया को कहा गया कि जी आप आए और आकर बचा लें। फिर इंडिया एक यानी इतने हमले पे, एक हमले में इंडिया आया और बाकी ये तबाह होते रहे। और एक हमले के अंदर इंडिया, आप सोचिए ज़रा कि उसकी नेवी आती है, उनके लोग आते हैं, और जब सब जल कर राख हो गया, अमले ने छलांगे मार ली, तो इंडिया ने उनको आगे रेस्क्यू किया। और रेस्क्यू किस तरह किया है वो आप सब जानते हैं, यानी सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, रात सारी आग लगी रही, फिर उन्होंने जाकर बचाया। ये इतना ज़्यादा तबाहकुन था जिसकी इंतहा नहीं, और एक नहीं कई हमले इस वक्त यमन ने कर दिए। लेकिन जो सबसे मज़ेदार चीज़ है, जो राज खुल गया है, और वो ये है, वो कह रहे हैं कि जी सिर्फ बरतानिया के पास कैपेबिलिटी है एयर स्ट्राइक की, वो भी अपने जेट के थ्रू। अब साइप्रस से उड़ता है एक जेट और वहाँ से उड़ता 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 वो आगे तक जाएगा, रेड सी क्रॉस करेगा, वो यमन में जाएगा, को हमला करेगा और फौरी तौर पर भागेगा। कोई उसको होती है कि जल्दी से निकले, फ्यूल का इशू है, डायरेक्शन का इशू है, वो इतनी दूर से आते हैं। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ है, लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा इतना बड़ा हुआ है। देखिए चाइना ने ईरान की और सऊदी अरब की जो सुलह करवाई है, उसके असरात अब आपको नज़र आ रहे हैं।
मोहम्मद बिन सलमान खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी अमेरिका को और बरतानिया को कि ना तो हम अपना मुल्क किसी भी यमन या फलानी जंग में जाने की इजाज़त देंगे, ना तो हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल हो, क्योंकि यमन ने कह दिया है कि हमने किसी सूरत किसी की भी एयर स्पेस इस्तेमाल ही तो जंग है। तो मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा कमाल फैसला था, इस एक फैसले ने अमरीका और बरतानिया के बखिए उधेड़ दिए। उन्होंने कहा भाई हमने जंग में नहीं जाना, हम कंस्ट्रक्शन पर बिलीव करते हैं, हमने जंग नहीं करनी। अब हुआ ये है उस चक्कर के अंदर कोई भी मिडिल ईस्ट की जो कंट्री है उन सब ने अड्डे जो थे किस जगह थे या देने थे किसी ने भी इनकार करना था वो खुलकर उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा जी आप हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते यमन के खिलाफ लड़ाई में। बड़ा कमाल कर दिया। अब वो साइप्रस से उड़कर आते, वो दुनिया के आखिरी कोने से उड़ते उड़ते यहाँ पर आते और मार। अब सोचे जरा एक सिंपल से मिसाल, जहाज जा रहे हैं आपका कार्गो शिप जा रहा है, आपके कार्गो शिप के ऊपर मिसाइल दाग दिए अगलों ने, और मिसाइल दागने के बाद क्या होता है, मिसाइल मारे आपको बचाना है ना वहां पर, तो आपके वहां पर नेवी भी है, तो बताएं ना फिर आपकी नेवी झक मारने के लिए वहां पर। आप यमन के ऊपर मिसाइल नहीं दाग सकते, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर आप करने के लिए क्या है इस दुनिया के अंदर, यानी आप वो लड़ाई में कूद गए हैं। असल में इनको इसराइल ने कहा था, ये सोच रहे थे कि हम जाएंगे और जाकर हम हमला कर देंगे और जो अल्लाह अल्लाह खैरी सलाह, और फिर यमन भाग जाएगा। यमन ने इनके ऊपर इतने मिसाइल मारे हैं, इतना इनको तबाह किया है कि अमेरिका के पर खच्चे उड़ाए बरतानिया के। अब हुआ ये है कि बरतानिया की जो कंपनीज है वो भी बैंकरप्सी के करीब ऐसा ऐसा पहुंच जाएगी। उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि हम अननेसेसरी एक ऐसी जंग में कूद पड़े हैं जो इसराइल की थी, जिसका ना सर था ना पैर था, और आपने उस जंग के अंदर जाकर हमारा नुकसान कर दिया। देखिए चेन सप्लाई का मसला शुरू हो गया है, खाने पीने का मसला शुरू हो गया है, और जो नुकसान हो रहा है वो अलग है, और बड़ी बात यह है कि इंश्योरेंस कंपनी ने इनकी इंश्योरेंस ही करने से इनकार कर दिया। देखिए अगर सबकी इंश्योरेंस हो करे सब कुछ तबाह होना शुरू हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी से खुद बैंक करप्ट हो जाएंगी, उनको तो खुद इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी, तो वो कहाँ से करेंगी। तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम नहीं कर सकते, आप अपना कोई बंदोबस्त कर लें। अब वो बरतानिया के पास और कोई डिस्ट्रॉयर नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अमरीका को उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आए, बड़ी मजे की बात है समझने वाली है। अमेरिका को कहा कि आप अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आएं क्योंकि हमें बड़ी ऊपर से उड़कर आना पड़ता है। सोचे जरा अमेरिका ने आगे क्या जवाब दिया कि इतनी ऊपर से उड़कर आना पड़ता है, हमें बड़ी दूर से आना पड़ता है, हम यहाँ पर आकर हमला करते हैं और फलाना करते हैं, और उस चक्कर में हम सही हमला भी नहीं कर पाते, ना हमें डायरेक्शन का पता चलता है ना कुछ पता चलता है। एक हद तक हम जाएं मॉनिटर करें, हमारे रडार सिस्टम काम करें, हम हमला करें, आप इस काम के लिए अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आए जिसके ऊपर आप जानते हैं अगर मिलिट से मिलिट्री बेस नहीं है, नहीं दे रहा कोई मुल्क, तो वहां पर जहाज कम से कम लैंड तो कर सके। तो अमेरिका ने कहा कि मैं अपना एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह करने के लिए यहां पर छोड़ दूं ताकि उसके बाद नुकसान हो, आप और कोई इसका सलूशन निकाले, आप खुद आगे होकर काम करें। अब सोचिए अमेरिका इतना डरा हुआ है कि अपना एयरक्राफ्ट कैरियर $25 अरब का वो खित्ते से ही बाहर ले गया है जिसके ऊपर 100 से 150 के करीब जहाज आ सकते हैं। भाई लेकर आओ ना, डर किस बात का है, उनको यही तो डर है कि यहाँ पर मिसाइल उन्होंने मार देने। आप हाल देखिए उन्होंने क्या किया है, ऐसा लगता है कि इनके लिए दोजख की एक झलक आई है, इतने ज्यादा शोले ऊपर जा रहे हैं और ये रोक नहीं पा रहे। देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि अपनी ताकत के नशे में चूर थे। अब 2028 में जाकर अगर आपके पास डिस्ट्रॉयर आना है तो आपको कहा किसने है कि आप इस जंग के अंदर जाएं, और वो कह रहे हैं कि जी सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो मारते हैं वो असल में काम ये कर सकता है इजीली, यानी जो अगर हमारा कोई जेट सेट हो वो काम कर सकता है। अब वो कह रहे हैं कि वो हमारे पास है नहीं और हम वो कर नहीं सकते। यानी आप सोचे खाली इसराइल की तबाही नहीं हुई, ये तबाही अब हो रही है अमरीका बुरी तरह और बरतानिया भी। और एक बात याद रखिएगा, ये जितने आपको यूरोपियन कंट्रीज के मामला थे ये सारे ऐसा ऐसा इनको एक दफ़ा आने दे, इन सब के साथ यही हशर होना है। अब वहां पर हो क्या रहा है कि अमेरिका ने तो जो काम किया है सो कर दिया है। पार्लियामेंट के अंदर ये कहा जा रहा है कि बरतानिया की जो नेवी है वो फेल है। उन्होंने कहा कि हम 2 साल से कह रहे थे, पार्लियामेंट में कह रहे थे कि जी 2 साल से कह रहे थे कि हमें अपनी नेवी को अपग्रेड करना है, उनके पास ये नहीं है वो नहीं। असल में इनको अंदाजा नहीं था कि कभी इनको आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अब वो यहां पर कह रहे हैं कि लड़ाई बड़ी खतरनाक है और बरतानिया की नेवी के पास कोई ऐसा जहाज नहीं है जो यमन का मुकाबला कर सके। अब देखिए दुनिया में एक बड़ी चीज इस्टैब्लिश हो गई है कि यमन जैसा मुल्क 50% उसकी जो आबादी है वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। ये बड़ी अजीब बात है, यानी उनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, लेकिन लड़ाई में उन्होंने दुनिया की सुपर पावर को शिकस्त दे रहे हैं। वो दुनिया की जो बड़ी खतरनाक पावर है इसराइल, उससे लड़े हैं।
फिर वो दुनिया की उससे भी ज्यादा खतरनाक पावर, उससे लड़े हैं बरतानिया। यानी आप ये सोच ले, वो अकेले लड़ते जा रहे हैं। आप हजार दफा भी ये बात कह देना कि ईरान इन सब के पीछे है, तो इसका मतलब है कि ईरान ने उसको जो टेक्नोलॉजी दी है वो सुपर पावर से भी आगे है, वो इसराइल से भी आगे है, वो बरतानिया से भी आगे। इसका मतलब है कि दो ममालिक आए हैं साथ हमला करने के लिए, तो दोनों को उन्होंने तबाह कर दिया। इंडिया के लिए सूरत हाल क्या है? इंडिया ने अपने असल में वॉरशिप डिप्लॉय की है, उनके लोग आए बचाने के लिए, लेकिन इंडिया एक हद से आगे नहीं जा सकता। यमन ने इंडिया को बड़ा क्लियर पैगाम दिया हुआ है कि ये आपके लिमिट है, इसको ज्यादा क्रॉस किया आपने तो ये रेड लाइन तसव्वुर होगी क्रॉस करना, फिर आप पर भी हमले होंगे। हाँ, ये हुआ कि पहले अमेरिका को डिस्ट्रेस कॉल गई, वो बचाने के लिए नहीं गए, फिर बरतानिया को गई, वो भी नहीं गए, और फिर उसके बाद सब कुछ तबाह हो गया। तो सब कुछ तबाह होने के बाद जब यमनी चले गए, होसी चले गए, तो फिर इंडिया को कॉल किया उन्होंने कि आप अपनी नेवी भेजें। इनका विशाखापत्तनम गया INS और वहाँ पर जाकर जो इनका हमला था वो हमले को बचा कर वो लेकर आए। यानी आप ये सोचे कि इंडिया की भी टांगें कांप रही थी कि वो इनके सामने खड़े नहीं हो सकते थे, और ये बात बिल्कुल ठीक है। जो मुल्क भी इनके साथ लड़ेगा वो तितर बितर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट किया है पिछले 8 सालों में अपनी फौज और नेवी के ऊपर। बजट नहीं है इनके पास कोई भी, ना बजट नहीं है, लेकिन इन्होंने काम किया कि लोकली हथियार प्रोड्यूस किए, मिसाइल, बॉट्स और ये तमाम चीज़ें प्रोड्यूस की, लो कॉस्ट थी और हाई क्वालिटी इसका मटेरियल था। अब ये बात है कि अमेरिका के इतने इतने खतरनाक मिसाइल, बरतानिया के मिसाइल, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। अब सोचे इसराइल के लिए क्या बना हुआ है। अमेरिका को तो उसने लेकर जाना था लिबनान वाली साइड पर, लेकिन यहाँ पर आकर वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास वो कैपेसिटी खत्म हो गई है। अब हुआ ये था कि अमेरिका ने बुलाया था बरतानिया को अपनी मदद के लिए, बरतानिया खुद आकर फंस गया है। यदि आप ये सोचे वो जो कंपनीज हैं, देखिए आप लेट से आप हो, आप लोगों ने कोई आपके पास पैसा हो या किसी आम बंदे बिजनेस के मान के पास पैसा, उसने इन्वेस्ट किया है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसने यहाँ पर वेसल्स लिए हुए हैं कि हम शिप्स लेकर जाएंगे, सामान आएगा जाएगा, तो सामान ले जाना था, लाना था, करना था, तो उसके बाद जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट जो की हुई है उसने देखना था मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। अब रिटर्न ये है कि तबाही हो रही है, वो तो अपनी हुकूमत को कहेंगे आपको जरूरत क्या थी इसराइल की जंग में जाने की, हमें क्या जरूरत है, सीधा सीधा आप कहते नहीं जाना। अब जितने बरतानिया के शिप आएंगे वो तबाही है अमेरिका के। अब इसकी देखा देखी हुआ ये है कि यूरोपियन कंट्रीज ने अमरीका को क्लियरली कह दिया है कि भाई हमने आपकी जंग में नहीं आना। क्या डाउनफॉल है अमेरिका का, क्या बात है, ऐसा डाउनफॉल। 40 ममालिक, जी हाँ समझे इस बात को, 40 ममालिक ने आना था और 40 ममालिक ने आने के बाद इस जंग में कूदना था, और कूदने के बाद सब ने यमन के खिलाफ जंग छेड़नी थी। आए कितने, दो, और दो की क्या हालत है कि अमेरिका के अपने जहाज तबाह हो रहे हैं, बरतानिया के अपने जहाज तबाह हो रहे हैं, और बरतानिया तो क्या बात है, शेर निकला है सबसे बड़ा कि उसके पास नेवी के पास मिसाइल ही नहीं है। सोचे अब क्या होगा, अब ये जंग तो नहीं रोकने वाले, बरतानिया ने अपनी कब्र खोद दी है। जब आपको पता ही नहीं था कि इतनी वो ताकतवर है तो आपको आने की क्या जरूरत थी, एक ही सलूशन है, या तो बरतानिया वापस चला जाए। ये अभी बरतानिया ने जो काम शुरू किया है ना कि रशिया के खिलाफ हमने अपनी फौजें तैयार कर दी हैं, और अमेरिका ने जी अपने वो जो न्यूक्लियर मिसाइल हैं वो बरतानिया में डिप्लॉय कर दिए कि उन्होंने रशिया में मारने हैं, आप एक दफ़ा जंग छिड़ने दे ज़रा, इनके साथ होगा क्या, ये रूस इनके साथ जो करेगा इनके तितर बितर कर देगा, इन सबको इनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इनको समझने का मौका नहीं मिलेगा। यूक्रेन में आए थे ना आप लोग सारे, आपने उखाड़ क्या लिया उसका, रूस का क्या उखाड़ लिया आपने, कुछ भी नहीं। अब आप यमन में आए हैं, क्या उखाड़ लिया आपने। अमेरिका आया था मदद करने इसराइल, कितना हथियार दिया अमेरिका ने पिछले 115 दिनों में, कितने हथियार, डिफेंस सिस्टम हो गया ना हमास के खिलाफ सारा कुछ फेल। आप लिबनान की कह रहे हैं जी हमने लिबनान के साथ जंग करनी है, आप करें जंग, आप जंग करें से आपके साथ होता क्या, आप देखते जाइए आपके साथ ये करेंगे क्या। फिर उसके बाद आपको शौक है कि आपने मिडिल ईस्ट के अंदर आना है, आप जाए आपके साथ होता क्या। अमेरिका की उजारादारी खत्म हो रही है, अमेरिका का सूरज गरूब हो रहा है, और जिन जिन ममालिक के सर पर अमेरिका का हाथ था वो यतीम होते जा रहे हैं। जिन ममालिक ने आज भी अपनी डोरियां अमेरिका के हाथ में रखी हुई हैं कि अमेरिका कंट्रोल करेगा, अमेरिका हमारी डोरियां पीछे से हिलाएगा, हमें मैनेज करेगा, हम आंख मारेंगे हुकूमतें गिरा देगा, फिर उसके साथ क्या होगा। उन ममालिक को समझना चाहिए अमेरिका का सूरज गरूब हो रहा है, कोई भी अमेरिका को मुंह लगाने को तैयार नहीं। यमन जैसा गरीब मुल्क अगर अमेरिका की सारी उजारादारी खत्म कर रहा है, और बरतानिया
देखिए कानून होता है कुदरत का, इन लोगों ने बड़ा जुल्म किया था अफगानिस्तान के अंदर हर जगह पर। अब हालत ये है कि इनके अपने डिफेंस सिस्टम जिसके ऊपर ये तकब्बुर करते थे, इनको पता नहीं था कि यमन ने लोकली मेड बनाकर कितना ज़्यादा इनका नुकसान कर दिया है। और अब ये सारे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं था कि यमन के पास ताकत है, हमने तो पार्लियामेंट में कहा था भुगतो बैठ कर। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।